देव सबको हाय बोल रहे हो, बोल हाय। गुड। तो अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं देव, आपको पता है? क्या पता है? आम पता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? घूमने जा रहे हैं ना। तो आज हम लोग मैंगो फार्म जा रहे हैं। मैंगो फार्म, हाँ, वो हमारे घर से कुछ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जी जी फार्म। तो अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो अभी आज जा रहे हैं हम लोग वहाँ से मैंगो लेने के लिए और थोड़ा सा इंजॉय भी करने के लिए। मतलब लास्ट टाइम भी हम लोग एक बार ही गए थे लास्ट ईयर वहाँ पे, वो अनप्लान था ऐसे ही, बस पता चला था उस फार्म के बारे में और फिर निकल गए थे। वीक डेज था उस टाइम पे, तो वहाँ पे हम लोग जैसे जैसे पहुँचे थे बहुत अच्छा लगा था। और वीक डेज में वो लोग मतलब विजिटर्स को अलाउड नहीं करते, बट हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे तो उन्होंने बोला था चलो चलो ठीक है आ जाइए आप सब। तो हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और वो लोग जो मैंगोज़ हैं ना वो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, तो काफ़ी उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग को थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, जो मार्केट से हम लोग परचेस करते हैं उसके कंपेयर में उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो बहुत मज़ा आया था, लास्ट टाइम भी देव ने बहुत इंजॉय किया था, तो इस ईयर भी हम लोग ने सोचा कि वहाँ पे जाते हैं और मैंगोज लेते हैं। ये देखिए, ये है पहला पेड़ इस फार्म का। तो यहाँ पे क्राउड भी बहुत है देव। देव तक खुश हो गया। क्या है देव? आम। आम कितना बड़ा है ना। बड़ा। मुर्गी। क्या है? मुर्गी है। वो छोटी वाली थी। काली 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 तोड़ दो तोड़ दो। My name is Guru Prasad. We own this farm. This farm is known by the name GG Mango Farm, and we have been doing this mango picking event for 7 years now. This is the 7th year. We started in 2016. And any of you are repeaters or first time? First. Dried brownish one. Right? So this means it is mature. Okay. So when does this turn into brown? It will be in green color like this. When the plant stops to send the nutrients to the food, which means the food stops taking nutrient from the tree, that's when it will start to drain. The more it dries, then a little wind it will fall off. Okay. So the second thing is color, of course. Okay. So not all the varieties we have the colors. For example, this variety will not turn yellow. Okay. If it turns yellow, which means it is going bad. It is overripe and it is going bad. You see these black spots?
this is overripe. So if you are waiting for some of the varieties to turn yellow and then you will cut it, or some people will press it and then see if it is soft or not. That is not how you identify whether the fruit is. Sun, Sakre Kutti, Neelam, Alfonso, Malguva, Raspuri, Banganpalli, Kalapad, Sindhura. मीठा देवा कैसा है? हम लोग ने अभी सारे आम ले लिए हैं, ये दो बॉक्स हो गया है। कितना केजी है टोटल? 10 केजी। तो ये 10 केजी हो गया। इसमें अल्फेंसो है और सिंधुरा है और उसको क्या बोलते हैं, दशहरी भी है, मलिका। हाँ। चार वैरायटी के हम लोग लिए आम। चलो चलते हैं अभी। ये मैंगो फार्म का ट्रिप पूरा हो गया है और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फिर हम लोग ने फार्म में पूछा भी तो उन्होंने बताया कि ये इधर का लास्ट वीक था, इसके बाद फिर अभी अगर जाना चाहेंगे तो फिर मैंगोज उतने मिलेंगे नहीं। और इस ईयर पिछले ईयर्स के कंपेरिजन में इस बार थोड़े कम आम हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी थे तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।